बच्चों, आज की क्लास में हम आपको व्याकरण की जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण के प्रकार के को हम देखें तो भाषा की तरह व्याकरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, अर्थात सभी भाषाओं के अलग अलग व्याकरण होते हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिए हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी व्याकरण, संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत व्याकरण। तो इस तरह से सभी भाषाओं के लिए उनके व्याकरण बने हुए हैं। तो अब हम आप लोगों को आज हिंदी भाषा के लिए हिंदी व्याकरण की जानकारी हम देंगे। बच्चों, किसी भी भाषा में भाव की अभिव्यक्ति वाक्यों से होती है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्द वर्णों से के मेल से बनते हैं, वर्ण मतलब अक्षर से बनते हैं। इस तरह से वाक्य, शब्द और वर्ण भाषा के मूल आधार हैं, अर्थात भाषा का मूल आधार वाक्य, शब्द और वर्ण अक्षर होते हैं। तो अब हम चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि व्याकरण के इन तीन खंड में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार की जानकारी हम देंगे। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो उसमें हम आपको आगे की जानकारी दे रहे हैं। पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो बच्चों, स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है? अर्थात वर्ण को हम अक्षर कहते हैं, यानी वर्णों तथा अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अर्थात स्वर का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है, अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण हम करते हैं वह स्वर वर्ण कहलाता है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अर्थात सब 11 स्वर होते हैं। तो अब हम इन 11 स्वर को भी अलग अलग रूप समूहों में बांटा गया है। अब हम आगे देखते हैं कि इन 11 जो स्वर हैं उनको किन किन भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, पहला है ह्रस्व स्वर, अर्थात जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, ऐसे स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अ, ई, उ, री, अर्थात ये चार जो स्वर हैं यह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। आगे है दीर्घ स्वर।
अर्थात किसी ह्रस्व स्वर से उसी स्वर ह्रस्व स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है, अर्थात जो ह्रस्व स्वर हमने चार बताया अ ई उ री, इनमें यदि उन्हीं ह्रस्व स्वर को मिलाने से जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसा कि बच्चों हम आगे आपको बता रहे हैं कि आ ई उ, अर्थात इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ जो है अ और अ, अर्थात अ ह्रस्व स्वर में अ ह्रस्व स्वर को मिलाते हैं तो आ बन जाता है। ई ह्रस्व स्वर में ई ह्रस्व स्वर को मिलाते हैं तो ई बन जाता है, दीर्घ स्वर ई बन जाता है। ऐसे बच्चों ऊ ह्रस्व स्वर में हम ऊ ह्रस्व स्वर को मिलाते हैं तो ऊ बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि ह्रस्व स्वर में उसी ह्रस्व स्वर को मिलाने से दीर्घ स्वर बनता है, अर्थात उच्चारण में ह्रस्व स्वर का उच्चारण जल्दी हो जाता है और दीर्घ स्वर का उच्चारण थोड़ा सा हम समय उसमें अधिक लगता है। जैसे हम ई बोलते हैं और उसको कहते हैं ई, जैसे ह्रस्व स्वर में ऊ और दीर्घ स्वर में उसको हम क्या कहते हैं ऊ। तो हम देख रहे हैं दोनों में जो समय, अर्थात एक में ह्रस्व स्वर में समय कम लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। आगे हम बच्चों आपको बता रहे हैं प्लुप्त स्वर, अर्थात जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। एक नया स्वर हो गया प्लुप्त स्वर, जैसे हम बोलते हैं हे राम, अर्थात यहां हम देख रहे हैं उच्चारण में जो है अधिक समय लग रहा है, लगभग ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, अर्थात इसमें तिगुना समय लगता है। आगे है सजाती स्वर, जिसको हम सवर्ण स्वर भी कहते हैं। बच्चों जिन स्वरों का उच्चारण समान उच्चारण के स्थान से होता है उसे हम सजाती स्वर कहते हैं। जैसे अ आ, हम देख रहे हैं अ और आ का उच्चारण एक समान स्थान से होता है उसे हम सजाती स्वर कहते हैं अ आ। फिर ई ई ऊ, अर्थात यह जो तीन समूह है, तीन जोड़ा है अ ई ऊ का, इन्हें हम सजाती स्वर कहते हैं। और विजाती स्वर में हम चलते हैं बच्चों, तो देखते हैं विजाती स्वर के लिए, अर्थात ऐसे स्वरों का उच्चारण का स्थान समान नहीं होता है, जैसे अ ई अ ऊ ई ऊ, अर्थात हम देख रहे हैं इन जो तीन जोड़ियां दी गई हैं इनका उच्चारण जो है समान स्थान से नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम विजाती स्वर कहते हैं। आगे हम बच्चों आपको बता रहे हैं कि इसके अलावा अनुनासिक स्वर, अर्थात अनुनासिक स्वर का मतलब क्या होता है, जब स्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आंगन, अंधेरा, दांत, गांव। तो बच्चों आप इसका उच्चारण, इन शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं तो आप देखेंगे कि हम उच्चारण के समय इनका उच्चारण नाक से किया जाता है, तो इन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अगला स्वर है संयुक्त स्वर, यानी बच्चों वह स्वर जो दो या दो से अधिक स्वर वर्णों से मिलने से बनता है उसे हम संयुक्त स्वर वर्ण कहा जाता है। तो हम जानते हैं बच्चों संयुक्त स्वर के लिए अ और ई को मिला देते हैं तो ए बन जाता है,
अ और उ को मिला देते हैं तो ओ बन जाता है, आ और ए को मिला देते हैं तो ए बन जाता है, आ और ओ को मिला देते हैं तो अ बन जाता है। इस प्रकार बच्चों ए ए ओ औ अर्थात ये जो चार जो है संयुक्त स्वर होते हैं, ए ओ ए औ अर्थात ये जो है चार स्वर होते हैं। तो बच्चों यह तो स्वर की जानकारी हुई, आगे हम आपको व्यंजन की जानकारी देते हैं। तो व्यंजन के लिए बच्चों हम व्यंजन वर्ण में चलते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या हम यूं कहें बच्चों कि जो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अंग 5 अर्थात क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, आगे हम देखते हैं बच्चों तो इस तरह से फिर प वर्ग में 5 और य र ल व स ष स ह, इस तरह से हम देखते हैं तो कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं अब हम आगे चलते हैं उसको देखते हैं बच्चों। तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अर्थात बच्चों जो व्यंजन स्पर्श से बोले जाते हैं, जैसे तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, इनके सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो क वर्ग कंठ से बोला जाता है, जैसे हम क क वर्ग में जितने अक्षर दिए गए हैं, जितने वर्ण दिए गए हैं उनका उच्चारण हम करेंगे तो कंठ से होता है, जैसा कि आप लोग ध्यान से बोल करके देखेंगे क ख ग घ अंग, अर्थात यह कंठ से हो रहा है। तालु, च छ ज झ य, अर्थात इन पांचों वर्णों का तालु से है उच्चारण। ट में मूर्धा ट ठ ड ढ ड, अर्थात जो है मूर्धा हो गए। दंत, त थ द ध न, अर्थात ये दंत से हो गए। और प वर्ग अर्थात ओठ के द्वारा प फ ब भ म। तो इस तरह से बच्चों हम इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जिन हम देखते हैं बच्चों कि इसमें सभी जो व्यंजन हैं उसमें हम अ को मिला दिया गया है, अ को मिलाने से इनका पूर्ण उच्चारण होता है, क्योंकि बिना स्वर के मिलाने से उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह जो व्यंजन हो गए अर्थात इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों तो आगे है अंतस्थ व्यंजन, अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों य र ल व, यह जो 3-4 जो व्यंजन है य र ल व, इन 4 व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, दांत, जीभ, तालु, इनके मिलाने से होता है, अर्थात किसी अंग के पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तो इन 4 व्यंजनों का हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चों आप उच्चारण करके देख लेंगे य र ल व, अर्थात यह अंतस्थ व्यंजन हो गए। उष्म व्यंजन आगे है बच्चों, उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन में हम आगे चलते हैं बच्चों तो हम देखते हैं इन व्यंजकों का उच्चारण
एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, इसलिए इसे क्या हम कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जैसे स, स, स और ह, अर्थात इसमें चार हैं, जैसा कि अभी हमने बताया बच्चों अंत्यस्थ व्यंजन में कि जीभ ताल दांत ओठ के परस्पर सटाने से होता है इनका उच्चारण, और यहां हम देखते हैं कि इनका उच्चारण क्या है, एक रगड़ या घर्षण से जो उत्पन्न उष्मा वायु से होता है उसे हम उष्म, उष्म मतलब उष्मा, तो उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। आगे हम बच्चों अब हम इसमें बता रहे हैं कि कठोर और मृदु व्यंजन भी होता है। कठोर व्यंजन का मतलब क ख च ठ त थ प फ, अर्थात इसे हम कठोर व्यंजन भी कहते हैं। मृदु व्यंजन अर्थात ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, अर्थात इसे हम मृदु व्यंजन कहते हैं। तो यह बच्चों आपको व्यंजन की जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं वर्ण के बाद, वर्ण से शब्द बनते हैं। अब हम बच्चों शब्द की तरफ चलते हैं, अर्थात शब्द क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमको शब्द की जानकारी देना है, तो शब्द की तरफ हम चलते हैं बच्चों। तो इन अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि बच्चों शब्द का जो विचार व्याकरण में होता है, अर्थात शब्दों के भेद अवस्था उसकी उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। शब्द किसे कहते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। अर्थात ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, हिंदी व्याकरण में शब्द चार प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट व्युत्पत्ति यानी बनावट और रचना की दृष्टि से, अर्थात प्रयोग की दृष्टि से। तो यह चार प्रकार के जो शब्द हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों। आगे हम देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। अर्थात बच्चों जिन शब्दों का स्वयं का कुछ अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ ही नहीं होता उसे हम निरर्थक कहते हैं, क्योंकि सार्थक मतलब अर्थ के साथ, निरर्थक मतलब बिना अर्थ। तो आपको अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक शब्द की जानकारी हुई। आगे चलते बच्चों उत्पत्ति की दृष्टि से, अर्थात उत्पत्ति की दृष्टि हम देखते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के पांच प्रकार होते हैं, तत्सम जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनका उत्पत्ति संस्कृत से है, अर्थात इसको हम तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव कुछ शब्द संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज अर्थात कुछ शब्द बच्चों देश के अंदर बोलचाल की भाषा में हिंदी में प्रचलित हो जा गए हैं, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप लोटा पगड़ी ऐसा हम बोलते हैं, हम हमारी जो है देश की भाषा है। विशेषज विदेशज, विदेशज यानी जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में मिला लिए गए हैं, ऐसे शब्द को हम विदेश से बना है विदेशज, अर्थात विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे देखो जो रेडियो स्टेशन रेल, तो यह शब्द हम हिंदी में भी बोलते हैं और वह शब्द जो है इंग्लिश में वही है, अर्थात यह विदेशी भाषा है, तो अर्थात इसे हम विदेशत कहते हैं। आगे बच्चों संकर शब्द, अर्थात हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्दों का उपयोग किया जाता है जो संकर यानी दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, इस तरह के मिश्रण से बने हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं, क्योंकि संकर का मतलब ही होता है बच्चों
अलग लोगों से मिला हुआ, तो इन्हें हम संकर शब्द कहा जाता है। जैसे बच्चों रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यानी रेल शब्द इंग्लिश है, अंग्रेजी शब्द है जिसको हम विदेशज बोलते हैं, और गाड़ी शब्द जो है हिंदी में हो गया, तो रेलगाड़ी। टिकट घर, टिकट शब्द जो अंग्रेजी शब्द है हम टिकट घर बोलते हैं, अर्थात टिकट घर हो गया। पान दान, यहां पान शब्द हिंदी है और दान शब्द जो है फारसी शब्द है, जिसमें पान रखते हैं उसको पानदान, अर्थात यह जो है संकर शब्द हो गए। ऑपरेशन कक्ष, अर्थात ऑपरेशन शब्द जो अंग्रेजी हो गया, कक्ष शब्द संस्कृत भाषा में हो गया। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहां यह दो भाषाओं से मिलकर बना है, अर्थात इसे हम संकर शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद बच्चों आगे हम चलते हैं, तो बनावट के आधार पर देखते हैं बच्चों, उसमें तीन भेद हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद में। रूढ़, अर्थात जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहा जाता है। घर, नल, मग, कब, अर्थात यह रूढ़ शब्द हो गया क्योंकि इन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं यह विज्ञान का भी शब्द है, तो यौगिक शब्द अर्थात जो दो या दो से अधिक शब्दों से बना होता है उसे हम यौगिक, अर्थात इनका अलग अलग खंडों में कुल आठ होते हैं, अर्थात इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों यहां बताया गया है हिमधन आलय हिमालय, विद्याधन आलय विद्यालय, आलय का मतलब होता है घर, जहां हिम का घर हो हिमालय, विद्या का घर हो तो विद्यालय। तो इस तरह से बच्चों पाठशाला, देवदूत, तो हम देख रहे हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों का एक अर्थ है, तो इसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। आगे हम चलते हैं योग रूढ़ शब्द की जानकारी देते हैं बच्चों। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मूल से बने हों और जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताएं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे बच्चों लंबा धन उदर, लंबोदर अर्थात गणेश जी, जिनका उदर यानी पेट लंबा हो उसे लंबोदर। चंद्रशेखर, पित आंबर, अंबर यानी पिताम्बर। चक्रपाणी, अर्थात हम देख रहे बच्चों यहां इनका एक विशेष अर्थ है, तो जब इनको मिलने पर एक विशेष अर्थ बन जाता है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यहां देख रहे हैं चंद्र और शेखर से चंद्रशेखर जो शब्द बन गया, पीत अंबर पीताम्बर, चक्रपाणी यानी जो नया शब्द मिल रहा है उस नए शब्द का अर्थ कुछ विशेष हो जाता है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग मतलब जोड़ना, जोड़ने से जो नया शब्द बनता है, जैसे भी ऊपर आपने देखा रूढ़ शब्द, तो यहां जोड़ने से जो नया शब्द बन जाता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से आगे हम चलते बच्चों कि प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के प्रकार विकारी अविकारी, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का लड़की मैं हमें, हम देख रहे हैं बच्चों इनके लिंग वचन बदलते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं विकारी शब्द। और जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है अर्थात सदा वह एक समान रहता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहां वहां प्रतिदिन परंतु, अर्थात यह कहीं भी प्रयोग किया जाता है यह लिंग वचन के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे बच्चों लड़का है लिंग के अनुसार लड़की हो जाएगा, वचन में हम करेंगे तो लड़के हो जाता है लड़कियां हो जाता है, तो विकारी में क्या है बदलाव होता है लिंग और वचन पुरुष के अनुसार। लेकिन यहां प्रतिदिन परंतु यह शब्द जो है लिंग वचन से नहीं बदलता है, यह ज्यों का त्यों सबके लिए ज्यों का त्यों उपयोग में लाया जाता है, तो ऐसे शब्द को बच्चों हम अविकारी शब्द कहते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, अब हम वाक विचार पर आते हैं। तो वाक विचार पर हम देखते हैं बच्चों जिन शब्द समूह में वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक कहते हैं। तो बच्चों यह वाक में हम आगे बढ़ते हैं
तो आगे आपको बताते हैं कि वाक्य में हम दूसरे शब्दों में क्या करते हैं कि विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से पद समूह को हम वाक्य कहते हैं, और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं तो वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, अर्थात शब्दों का वह समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों वाक्य हमने परिभाषा बताया गया कि वाक्य किसे कहते हैं। अब हम आगे आते हैं बच्चों, तो इन वाक्य के ऊपर विचार करते हैं, अर्थात वाक्य में हम देखते हैं तो वाक्य जो जिसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य रचना आदि पर विचार किया जाता है, उस भाग को हम वाक्य विचार कहते हैं। अब हम आगे बच्चों इस आधार पर आपको बताएंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य प्रकार की जानकारी हमको देना है आगे। आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि वाक्य कौन कौन से प्रकार है बच्चों। तो वाक्य प्रकार में हम वाक्य हिंदी व्याकरण में वाक्य दो प्रकार का होता है, एक रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो बच्चों रचना की दृष्टि से हम देखते हैं तो यहाँ हम सरल वाक्य अर्थात जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम आता है, यहाँ आना जो है एक क्रिया हो गई, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा दूसरा कोई अंग वाक्य के होते हैं अर्थात उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं जैसे कौन सा आदमी है जिसमें स्वामी विवेकानंद का नाम, जिसने स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं सुना है। तो बच्चों वह कौन सा आदमी है जिसने स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं सुना है। यहां देख रहे हैं कि एक सरल वाक्य के अलावा और भी वाक्य उसमें है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों संयुक्त वाक्य अर्थात जिस वाक्य में सरल वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं नीचे, मैं खाकर सोया कि पेट में दर्द आरंभ हो गया और दर्द इतना बढ़ा कि मैं बेहोश हो गया, अर्थात यहां हम देख रहे हैं बच्चों कि कई वाक्यों के अर्थात सरल और मिश्र वाक्य के मेल से जो यह वाक्य बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब बच्चों हम आगे आते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य प्रकार में बच्चों पहला है विधिवाचक वाक्य अर्थात जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विधि वाचक वाक्य। तो इस प्रकार से बच्चों हम अगला है विधिवाचक वाक्य के बाद हम आगे चलते हैं तो आपको अगली जानकारी देते हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य अर्थात बच्चों जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो अर्थात उसमें नहीं शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जैसे वह नहीं गया, तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ नहीं शब्द आ गया अर्थात इस तरह से यह जो है निषेध हो गया अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, हम निषेध वाचक वाक्य। आगे हम बच्चों आपको बताते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी हमने आपको पहला बताया बच्चों विधानार्थक अर्थात जिस वाक्य में किसी बात का होना सूचित हो, दूसरा हमने बताया निषेध वाचक अर्थात जिसको हम निषेधार्थक कहते हैं, किसी वाक्य में किसी विषय का यदि अभाव सूचित हो या बात में न होने का बोध हो तो उसे हम निषेधार्थक कहते हैं। अगला बच्चों है अर्थात आज्ञावाचक अर्थात जिससे आज्ञा या हुक्म देने का बोध होता है उसे हम
आज्ञार्थक कहते हैं या आज्ञावाचक कहते हैं, जिस वाक्य में आज्ञा विनती उपदेश का सूचित होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ जाओ, यहाँ आओ, वहां मत जाना, पिताजी का कहना मानो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आपको आज्ञा हुक्म इस तरह से ऐसे वाक्य यहाँ दिए गए हैं। आगे बच्चों आपका प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य में आगे बढ़ते हैं, तो जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों हम ऐसे वाक्य जैसे महेश आज क्यों नहीं आया, तो यहां क्यों शब्द है, तो अर्थात इसका पहचान है बच्चों कि हम वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द को यदि रहता है अर्थात वैसा वाक्य जो है प्रश्नार्थक होता है। यह लड़की कौन है अर्थात कौन शब्द है, तो यह प्रश्न हो गया तो प्रश्नार्थक हो गया। आगे चलते हैं बच्चों विस्मयाद बोधक वाक्य, या इसको हम विस्मयार्थक कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में आश्चर्य विस्मय दुख शोक हर्ष आदि का बोध होता है ऐसे वाक्य को हम विस्मय बोधक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना प्यारा बालक है, यहाँ आहा शब्द क्या है, एक तरह से हर्ष की बात है, खुशी की बात है, आह मैं पीट गया अर्थात ये दुख की बात हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं, तो जिसमें विस्मय बोधक शब्द होते हैं ऐसे शब्द को हम देखते हैं तो वह विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। आगे बच्चों संदेह बोधक अर्थात इसको हम संदेहार्थक वाक्य भी कहते हैं, अर्थात जिस शब्द वाक्य में संदेह या शंका जाहिर होता है, या हम यूं कहें बच्चों कि जो वाक्य संदेह या संभावना सूचित करता है उसे हम संदेह बोधक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों संभवतः आज पानी बरसे, यानी यहाँ एक संभावना है, या रमेश आता होगा तो यह भी एक संभावना है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं संदेह बोधक वाक्य, या वह पटना गया होगा, एक तरह से अभी हमको स्पष्ट नहीं क्लियर नहीं है कि वह पटना गया होगा, हम यह कह रहे हैं कि वह पटना गया होगा अर्थात इसमें संदेह है, इसलिए हम क्या कहते हैं संदेह बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जो इच्छा या जिसमें शुभकामना का बोध होता है उसे हम इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करें, इस तरह से देखते हैं शुभकामना हो गई बच्चों। या आगे हम चलते हैं देखते हैं तो संकेतार्थक वाक्य अर्थात जहां वाक एक दूसरे वाक की संभावना पर निर्भर हो उसे हम क्या कहते हैं संकेतार्थक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है ऐसे वाक्य को हम संकेत वाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो फसल सूख जाती, अर्थात देखा जाए बच्चों ये संभावना की बात है, या तुम आते तो मैं अवश्य आता, तो ऐसे वाक्य को हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको हम हिंदी व्याकरण में सभी जानकारियां दी है बच्चों, वर्णमाला शब्द और वाक्य तीनों के विषय में हमने जानकारी दी बच्चों, और आपको यह पसंद भी आया होगा और बहुत यह हिंदी भाषा के लिए यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि किसी भाषा के लिए व्याकरण का जानना बहुत उपयोगी होता है शुद्ध लेखन और शुद्ध वाचन के लिए। तो इस तरह से बच्चों आज का यह ऑनलाइन क्लास लेक्चर ही समाप्त होता है। बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक
समझ गए होंगे। एजुकेशन बाई एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_byak को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।